दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 3 सिलेक्टेड गेमिंग स्मार्टफोनों के बारे में। दोस्तों अगर आप भी गेमिंग खेलना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको गेमिंग के लिए कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये फोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं, इन फोनों को आप अपनी नीड एंड ब्यूटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। इन फोनों के अंदर आपको किसी फीचर को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। ये फोन अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, अपने स्पेक्स के हिसाब से, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बेटर वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A54 5G। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिल जाएगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिससे कि आप फोन के अंदर अच्छे से गेमिंग कर पाओगे, मल्टीटास्किंग अच्छे से कर पाओगे, हार्डवर्क इजिली कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन की फीचर्स के बारे में, लाइक सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट है, 1000 nits की पीक ब्राइटनेस, 82.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोरिंग वाला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में, फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का एक्सिनोस 1380 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 13 पर बेस्ड है, UI 5.1 का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन के वेरिएंट के बारे में, ये फोन आपको 128GB प्लस 6GB रैम के बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा, रियर कैमरा 50MP का विद OIS के साथ, 12MP का अल्ट्रा वाइड, 5MP का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 3.5mm का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है, स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 25W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन के एंटूटू स्कोर के बारे में, इस फोन के अंदर आपको 5 लाख प्लस अराउंड एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, फोन के अंदर आपको फ्रेम जो प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, ग्लास फ्रंट और ग्लास बैक के अंदर जो है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, 202g का वेट है, 8.2mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में, इस फोन की प्राइस आपको 38,999 रुपीज़ देखने को मिल जाएंगे, आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है वीवो की तरफ से, वीवो B25 Pro। दोस्तों इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छे प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में, इस फोन के अंदर आपको 6.56 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ की सपोर्ट है, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, 89.6% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में, फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, फंटोस 12 का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन की वेरिएंट के बारे में, ये फोन आपको 128GB प्लस 8GB रैम के बेस वेरिएंट में देखने को मिलेगा, UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा, रियर कैमरा 64MP का विद OIS के साथ, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 32MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। 4830mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 66W फास्ट चार्जिंग को। 15 मिनट में आप इस फोन को 40% इजली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंटूटू स्कोर के बारे में, इस फोन का एंटूटू स्कोर आपको 7 लाख प्लस अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, फोन के अंदर आपको बैक पैनल जो है कलर चेंजिंग का देखने को मिलेगा, ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है, 190g का वेट है, 8.6mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में, इस फोन की प्राइस आपको 35,999 रुपीज़ देखने को मिल जाएंगे, आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला S30 फ्यूजन। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप फोन के अंदर अच्छे से गेमिंग कर पाओगे, मल्टीटास्किंग अच्छे से कर पाओगे, हार्डवर्क इजिली कर पाओगे। दोस्तों अगर आप ज्यादा ही गेमिंग के शौकीन हो, आप गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो इस फोन के अंदर आप कितना भी हैवी से हैवी गेमिंग खेल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इस फोन के अंदर नहीं होने वाली है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फोन के फीचर्स के बारे में।
लाइक सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फ़ोन के अंदर आपको 6.55 इंच की POLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 1 बिलियन करके साथ आती है। 144Hz का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ की सपोर्ट है, 1100 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 90.8% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फ़ोन के चिपसेट के बारे में। फ़ोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ 5G का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5 नैनोमीटर के साथ आता है। एंड्रॉयड वर्जन 12 पर बेस्ड है, अपग्रेड टू एंड्रॉयड 13 देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फ़ोन के वेरिएंट के बारे में। ये फ़ोन आपको 128GB+8GB रैम के बेसमेंट में देखने को मिलेगा। UFS 3.1 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा। रियर कैमरा 50MP का विद OIS के साथ, 13MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का डेप्थ, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 8K+4K वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 32MP का। सेल्फी कैमरे से भी आप 4K वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। 3.5mm का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है, स्टोरेज स्पीकर के साथ आता है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 3.1 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। 4400mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 68W फास्ट चार्जिंग को। 10 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के एंटूटू स्कोर के बारे में। इस फोन का एंटूटू स्कोर आपको 8 लाख+ अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको एल्युमिनियम का फ्रेम देखने को मिलेगा। फ्रंट ग्लास एंड बैक ग्लास के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 168 ग्राम का वेट, 7.5mm की थिकनेस। बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 38,999 रुपीज़ देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इन फोनों में से जो भी फोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगाओ उस फोन को अपनी नीड एंड प्योरिटी के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।